एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग मैं नावेद आलम एग्जामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है तीसरी कक्षा चलेगी हमारे भूगोल की जो बिहार पुलिस प्लस सीडीएस के लिए है स्पेशली तो आज का हमारा टॉपिक होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और भूकंप एंड ज्वालामुखी तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में देखते हुए चलिए फिर आपके इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी होंगे उस पर क्वेश्चन पर आते हैं और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो पहला जो टॉपिक होगा महाद्वीपीय <स्क्रेणा> creating... महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में जानते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या एक्चुअली <coughs> दोस्तों हम आजकल देखते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित सात महाद्वीप हैं सबका नाम हम जानते हैं उनके आकार वगैरह सब कुछ इसके बारे में लगभग जानते हैं तो क्या था दोस्तों जो फिलहाल वर्तमान समय में सात महाद्वीप है वो अब से लगभग तीस करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में एक ही स्थल का भाग हुआ करते थे और कहाँ हुआ करते थे दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास में तमाम सारे के सारे जितने भी महाद्वीप है वो एक स्थल का भाग थे जिसके चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में जिसके चारों ओर पानी था समुद्र था और जिसका नाम था पेंथालसा जिसका नाम दिया गया है पेंथालसा स्थल का जो भाग था इसके बीच में एक सागर पाया जाता था जिसको हम टैथिस सागर के नाम से जानते हैं ओके टैथी सागर के नाम से हम इसको जानते हैं इसके उत्तरी भाग को हम कहते थे उत्तरी भाग उत्तरी भाग को किस नाम से जानते थे उत्तरी भाग उत्तरी भाग इसका कहलाता था अंगारा लैंड अंगारा लैंड या लोरेंशिया लोरेंशिया भी कहा जाता है इसको लोरेनशिया नॉर्दर्न जो इसका भाग नॉर्दर्न जो पार्ट था उसको कहते थे अंगारा लैंड और लॉरेंशिया दक्षिणी भाग दक्षिणी भाग क्या कहलाता था टैथी सागर के जो दक्षिण में भाग स्थित था उसको क्या कहते थे हम ये नहीं चल रहा है। दक्षिणी भाग क्या था दक्षिणी भाग दक्षिणी भाग क्या था इसका गोंडवाना लैंड गोंडवाना गोंडवाना लैंड ओके okay. तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से भाग थे अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन आता था अंगारा लैंड नहीं दोस्तों हुआ क्या कि आपसे लगभग अट्ठारह करोड़ वर्ष पूर्व जो ये पेंजिया था स्थल का जो भाग था इसका नाम पेंजिया पेंजिया जब अट्ठारह करोड़ वर्ष पूर्व ये विभाजित हुआ विखंडित हुआ तो ये उत्तर की ओर शिफ्ट किया इसने तथा पश्चिम की ओर इसने शिफ्टिंग किया पश्चिम की ओर गया तथा उत्तर की ओर गया उत्तर की ओर जाने में जो इसका यह भाग था अंगारा लैंड इसमें तीन महाद्वीपों की रचना हुई तीन महाद्वीप कौन से थे एशिया अफ्रीका एशिया यूरोप एंड उत्तरी अमेरिका तथा गोंडवाना लैंड का भाग कौन कौन कहलाते हैं दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका भारत ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका आदि ठीक है तो दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था तो क्वेश्चन का आंसर आप देंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दस सेकंड के अंतर के बताइएगा जल्दी से तो दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है ये 1921 में किसके द्वारा दिया गया था ये दिया गया था अल्फ्रेड वैग्नर के द्वारा जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जितने भी महाद्वीप थे वो एक जगह से अलग अलग शिफ्ट करके अपनी स्थिति पर पहुंचे पहुंचे थे ये सिद्धांत सिद्धांत था अल्फ्रेड वैग्नर साहब का सिद्धांत था तो आइए दोस्तों इस पर हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से संबंधित है उसको करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रहे सर नहीं पता सर ओके अब तो पता चल गया होगा दोस्तों निशा दुबे वैगनर वेरी गुड 1920 1920 नाइनटीन फर्स्ट क्वेश्चन ओके अरे प्रिंट हो गया सॉरी दोस्तों जो क्वेश्चन आया थोड़ा प्रिंट हो गया है और अभी से सर इसकी कोशिश करते हैं इसको सही क्वेश्चन लगाने की हमारा जो भी महाद्वीपीय विस्थापन था यह किस प्रकार से हुआ कैसे हुआ क्या हुआ दोस्तों के कारबोनी फेरिस युग में 30 करोड़ तीस करोड़ ये सारे के सारे जितने महाद्वीप थे एक जगह अवस्थित थे लेकिन अब से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व एक काल में वो काल कौन सा होगा ये आप टाइप करके भेजेंगे अब से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व वर्ष पूर्व क्या हुआ पेंजिया का विखंडन हुआ पेंजिया से जो भी फिलहाल के वर्तमान के जो महाद्वीप है वो सात महाद्वीप अलग अलग जगह शिफ्ट हुए तो 18 करोड़ वर्ष पेंजिया में विखंडन हुआ। किस काल में हुआ था तो आपके लिए क्वेश्चन है, किस काल में हुआ था पेंजिया का विखंडन 10 पी डी एफ दो गुरु जी पी डी एफ भी आपको दे दी जाएगी फिलहाल आप अपनी कक्षा पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे ओके okay, इंग्लिश का वर्जन भी रखे इट्स ओके अभी तक आंसर नहीं आया है अठारह करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का जो विखंडन हुआ था कब वो किस काल में हुआ था दोस्तों अभी तक आंसर नहीं आया चलो ठीक है इसको देखते हैं यह हुआ था जुरासिक काल जुरासिक काल जुरासिक काल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि जुरासिक काल डायनासोर के उद्भव का भी काल था डायनासोर भी इसी काल के अंतर्गत पाए गए थे डायनासोर हमारी पृथ्वी पर डायनासोर इसी काल में पाए गए थे ओके ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते इतना तक क्वेश्चन है क्वेश्चन अभी तक नहीं है ओके यहां से जो महाद्वीप का दो भाग के जो दो भाग हुए थे ओके, क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों तो हम आपने इसको फिर भी आ, इसको हम बता चुके हैं पेंजिया का भी खंडन हुआ लॉरेंशिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड तो बाकी सारे के सारे इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इसके अंदर वर्णित हो जाएगी तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पृथ्वी पर मूलते एक विशाल भूखंड उपस्थित था जिसे कहते हैं पृथ्वी पर मूलते मूलते का मतलब प्रथम अवस्था में पृथ्वी पर मूलते एक विशाल खंड उपस्थित था जिसे कहते हैं देयर वाज ओरिजिनली अ ह्यूज लैंड एग्जिस्ट ऑन द अर्थ विच इज सड टू पेंथालसा लॉरेंसिया टेथिस एंड पेंजिया साउंड नो ओके तो आंसर दीजिएगा दोस्तों सूर्य प्रताप ए पेंथालसा पेंथालसा रॉन्ग आंसर पेंथालसा जो था वो थो उस स्थल के चारों ओर का जो समुद्र था पेंथालसा उसका नाम दिया गया हमको बताना यहाँ पर स्थल जो विशाल भूखंड था उसका नाम क्या था अभी तक सी ना चंद्रशेखर ओके चंद्रशेखर जी का पहला आंसर आया है, सी टेथिस <coughs> ये भी रॉन्ग आंसर है उसके बाद में सोनू कुमार डी वेरी गुड बी रॉन्ग आंसर राइट आंसर इज डी पेंजिया सर नेक्स्ट पेंजिया तो मूल अवस्था में जो पहला स्थल हमको प्राप्त हुआ था पृथ्वी पर वो था पेंजिया ओके okay? <coughs> अब ठीक है दोस्तों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन ओके। सेकेंड क्वेश्चन पेंजिया का विखंडन किस काल से संबंधित है पीरियड इज रिलेटेड टू पेंजिया डिसोल्यूशन तो अपना आंसर बताएंगे दोस्तों जल्दी से पेंजिया का विखंडन किस काल से संबंधित है किस काल से संबंधित पेंजिया का विखंडन ऑप्शन है कार्बोनिफेरस जुरासिक क्रिटेशियस None of these. अभी इससे पहले आपको दो तो मिनट पहले ही बताया गया है वेरी गुड जुरासिक एज नेक्स्ट सर क्वेश्चन पेंजिया का जो विखंडन हुआ था वो हुआ था जुरासिक काल जुरासिक जुरासिक काल ओके ये कब माना जाता है अठारह करोड़ वर्ष पूर्व अठारह करोड़ वर्ष पूर्व वर्ष पूर्व थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आ गया दोस्तों महाद्वीप अलग कैसे हुए जो ये महाद्वीप थे उनके अलग होने का कारण क्या था किसकी वजह से महाद्वीप अलग हुए थे हाउ डिड द कॉन्टिनेंट डिवाइडेड वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी फूटने से ज्वालामुखी के फूटने से सेकेंड बाई टेक्नोनिक एक्शन विवर्तनिक क्रिया से बाय द रॉक बाय द रॉक ऑफ द रॉक चट्टानों के वलन से उपरोक्त सभी तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों सी रोंग आंसर मंजीत शर्मा डी उपरोक्त सभी रोंग आंसर सर नेक्स्ट लगाइए रा, राइट अभी रुकी नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों महाद्वीप अलग कैसे हुए थे तो ये था विवर्तनिक क्रिया से प्लेट टेक्टोनिक्स जिसको हम बोलते हैं विवर्तनिक क्रिया पृथ्वी के अंदर होने वाली जो <coughs> इस पे कुछ क्रियाएं थी उसको कहते हैं विवर्तनिक क्रिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आंसर आने में थोड़ा टाइम लगता है आप जल्दी से आंसर पर ध्यान दीजिए आप आंसर uh, जल्दी आने चाहिए और इस अपने टॉपिक से संबंधित अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड में कौन शामिल नहीं था जो सुपर महाद्वीप था गोंडवाना लैंड उसमें कौन शामिल नहीं था अभी भी हमने यहां पर आपको बताया कि कौन लोरेंसिया का भाग कौन थे और गोंडवाना का गोंडवाना लैंड का भाग कौन था पार्ट ऑफ गोंडलैंड गोंडवाना लैंड तो दोस्तों इसके राइट आंसर अपना जल्दी से भेजने की कोशिश करें फर्स्ट आंसर दक्षिण अमेरिका सेकंड भारत थर्ड ऑस्ट्रेलिया फोर्थ एशिया प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड में कौन शामिल नहीं था टें सेकेंड बी नहीं भारत भारत इसके अंदर शामिल था दक्षिण अमेरिका रॉन्ग सी ऑस्ट्रेलिया रॉन्ग चलिए दोस्तों राइट आंसर देखते हैं राइट आंसर होगा डी एशिया एशिया सर नेक्स्ट करेंगे एशिया जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था कैसे? लॉरेंशिया लॉरेंशिया के अंदर लिखी देते हैं कौन कौन से भाग थे लॉरेंशिया शिया जो उत्तरी भागता पेंजिया का उसके अंदर कौन कौन से एक तो उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका नॉर्दर्न अमेरिका सेकंड यूरोप सेकंड वन यूरोप एंड थर्ड एशिया एशिया जो है ये भी लोरेंसिया यानी के अंगारा लैंड का भाग था गोंडवाना गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है पृथ्वी पर मानव के उद्भव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य है पृथ्वी पर जो भी जीवाश्म फॉसिल बायो फॉसिल प्राप्त हुआ उसका प्रथम साक्ष्य क्या है साक्ष्य है अच्छा वो किस काल का है कब से 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व थ्री पॉइंट फाइव बिलियन वर्षपुर टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट एट मिलियन वर्षपुर टू पॉइंट एट बिलियन वर्षपुर ठीक है दोस्तों आंसर भेजिएगा अपना थ्री पॉइंट फाइव लिखा आ रहा है लेकिन कितना मिलियन या बिलियन मिलियन या बिलियन ओके सर नेक्स्ट कीजिएगा करें तो इसका राइट right आंसर होगा बी राइट आंसर होगा बी 3.5 बिलियन ईयर अगो ईयर अगो मतलब साढ़े तीन अरब वर्ष पूर्व साढ़े तीन अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो प्रथम ओके फॉसिल जो था वो प्राप्त हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके सामने ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है दोस्तों जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके अंदर से बहुत सारी गैस निकलती है हम देखते हैं तो अब यही बताना है कि उनके अंदर से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में निकलती है ए जलवाष्प मींस वाटर वेपर बी हीलियम सी हाइड्रोजन डी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड स्वाति सिंह रॉन्ग आंसर हीलियम रॉन्ग आंसर अरे अरविंद जी आप 3.5 बिलियन पर ही पड़े हुए हैं अभी तक ओके वाटर वेपर ठीक है राइट आंसर वाटर वेपर जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है देखते हैं दोस्तों इसको थोड़ा सा ज्वालामुखी विस्फोट अरे ये तो सही होगा ज्वालामुखी विस्फोट आगे शायद आपको ना दिखे इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है पृथ्वी की जो बाहरी सतह है स्थलमंडल उसका टूटना पृथ्वी की आंतरिक सतह के अंतर होने वाली क्रियाओं के कारण जो जो मैग्मा का निर्माण होता है मैग्मा का सवहनीय धाराओं के द्वारा टूटकर बाहर निकलना ये क्या कहलाता है ज्वालामुखी विस्फोट ज्वालामुखी विस्फोट में वाटर वेपर ओके ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है फर्स्ट प्लेस जलवाष्प जलवाष्प सेकंड होती है सीओ टू मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड होगी एसओ टू SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड ओके तो ये उसके बाद में बहुत सारी कैसे निकलती है एन NO ओ निकलती है वो आ, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और हाइड्रोजन निकलती है हीलियम निकलता है लेकिन मेन जो इसकी जो तीन कैसे प्रथम जलवास सी ओ टू एस ओ टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ओके okay, दोस्तों अब जल्दी से इसका सबसे आंसर आने की राइट right आंसर आने की एक्सपेक्ट की जाती है विश्व में निम्न में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है क्लीमजारो बी पिनाटुबो, सी माउंट एल्ब्रुस डी कोटोपैक्सी ओके काफी आंसर आ रहे हैं आई थिंक ऑल आंसर इज राइट कोटोपैक्सी ओके राइट right आंसर कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी के बारे में दो और जानते हैं दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी सर नेक्स्ट करेंगे माउंट कोटोपैक्सी कोटो पैक्सी कोटो कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है ऊंचाई है इसके लगभग पांच हजार नौ सौ अप्रोक्सीमेट पांच हजार नौ सौ मीटर नोट किलोमीटर पाँच हजार नौ सौ मीटर ओके और ये कहाँ पर है इक्वाडोर इक्वाडोर ओके इक्वाडोर ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पृथ्वी के अंदर पिंगले पदार्थ को कहते हैं पृथ्वी के अंदर ध्यान दीजिएगा पृथ्वी के अंदर ए ऑप्शन लावा बी बेसाल्ट सी ग्रेनाइट डी मैगमा ए आंसर आ रहा है ज़्यादातर ए आंसर रॉन्ग होगा ओके okay. डी पवन शुभम वेरी गुड राइट आंसर डी नेक्स्ट करेंगे सर डी दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा इसमें इसमें क्या होता है लगभग सभी छात्र कंफ्यूज रहते हैं लावा और मैग्मा इनके अंदर क्या अंतर होता है दोनों एक ही चीज है जब लावा पृथ्वी के अंदर आंतरिक सतह में होता है तो उसको कहते हैं मैग्मा और जब वह पृथ्वी की सतह से आने के बाद फैल जाता है ठंडा होता है कुछ भी हो जाता है पृथ्वी से सतह से आने के बाद में उसको हम कहते हैं लावा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है ओके okay. तो अब इसकी स्थिति बतानी है कि यह कहाँ पर अवस्थित है मोना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो इज सिचुएटेड इन फर्स्ट हवाई सेकेंड अलास्का इटली जापान टेन मिनट बी डी ओके राइट आंसर आगे हैं राइट right आंसर है हवाई नेक्स्ट क्वेश्चन सर हवाई इज द राइट आंसर मोना जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ है हवाई इसके बारे में दो फैक्ट और देखते हैं हवाई जो है दोस्तों ये यूएसए हवाई द्वीप समूह जो यूएसए का एक भाग है और ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग में स्थित है ये विश्व का सबसे बड़ा इसको इसकी आकार की दृष्टि से लंबा पर्वत भी कहा जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं ए बी कोटोपैक्सी सी एटना डी फ्यूजियामा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव वर्ल तो एक्टिव वॉल कैनो बताना है दोस्तों आपको कौन सा होगा डी डी ए, ओके okay, अभी भी आपका आंसर डिफर कर रहा है तो दोस्तों अभी आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कौन सा क्रिय ज्वालामुखी है निम्न में से कौन सा क्रिय ज्वालामुखी है ओके आई थिंक दोस्तों दिस इज अ सॉरी कुछ मतलब मेरे को लगता है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है एकांकागुआ कोटोपेक्सी एटना फ्यूजियामा इसमें एक एक का गुआ को छोड़कर लगभग तीनों जो हैं बी सी डी बी सी डी तीनों राइट आंसर होंगे बी सी डी इसको लिख देते हैं सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन से होंगे सक्रिय ज्वालामुखी ज्वालामुखी ओके सक्रिय ज्वालामुखी तो बी राइट आंसर सी एटना राइट आंसर डी ऑल्सो राइट आंसर तो एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर एकांका गुवा को छोड़कर इसमें सभी क्वेश्चन जि, जितने भी ज्वालामुखी है वो सब सक्रिय हैं बी सी डी अभिषेक राज वेरी गुड बी सी डी राइट आंसर बी सी डी बी सी डी ओके वेदिका आर्या भारतीय कंसेप्ट बी सी डी बी बी वी बी बी सी बीसीडी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी भी लास्ट ईयर हमने देखा था कि यह लगभग उत्तराखंड आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जामों में देखा जाता है प्रकाश स्तंभ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है आंसर आने स्टार्ट हो गए सी स्ट्रमबोली स्ट्रमबोली ओके लगभग सभी ने राइट right आंसर दिया है स्ट्रमबोली तो इसको थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों स्ट्रमबोली इसके बारे में कुछ और अन्य फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन का क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाए लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पलट दिया जाए तो इसकी स्थिति पूछी जा सकती है कि यह कहां पर स्थित है ओके okay. तो ये है इसकी स्थिति कौन से द्वीप पर है? ये है लिपारी द्वीप लिपारी द्वीप पर ओके okay. स्ट्रम्बोली जो है भूमध्य सागर के अंदर लिपारी द्वीप पर स्थित है सेकेंड क्वेश्चन है कि इसको प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है प्रकाश स्तंभ प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है तो दोस्तों इसके बारे में एक फैक्ट जानते हैं सर आप नेक्स्ट कीजिएगा प्रकाश स्तंभ इसको दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि लगभग थर्टी फोर थर्टी फाइव ईयर से चौंतीस या पैंतीस सालों से पिछले चौंतीस या पैंतीस वर्षों से लगातार सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगातार अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करने के कारण इसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं भूमध्य सागर का जब ये जलता है इसके अंदर से ज्वलत ज्वलंत मैग्मा बाहर निकलता रहता है लावा बाहर निकल जाता है तो इसके चारों ओर प्रकाश की लेयर पाई जाती है तो जिसकी वजह से इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वल कैनो ओके आंसर दीजिएगा जल्दी से अपना टेन सेकेंड के राइट आंसर कोटो संचार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किया किलायु विसोवियन तो आंसर दोस्तों सभी का आंसर आ रहा A, Quotopaxi. Quotopaxi C, किलायू. C, किलायू, है ए कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी इज द रॉन्ग आंसर कोटोपैक्सी नहीं होगा दोस्तों इसका आंसर होगा सी किलायु सी किलायु जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके आधार पर सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है किलायु नेक्स्ट कीजिएगा सर किलायु सबसे अधिक मोस्ट एक्टिव वोल है किलायु किलू है किलायु है ओके okay. कोटोपैक्सी नहीं है दोस्तों आप चेक कीजिएगा नेट पर जाकर के सी किलायु वेरी गुड पी एच मोहम्मद किलायु वेरी गुड थर्टीन चलो दोस्तों भूकंप पर आ जाते हैं अपने टॉपिक टॉपिक एक टोपिक को चेंज करते हुए भूकंप से संबंधित तरंगे पहले दोस्तों छोटा सा इसके बारे में जानते हैं एक छोटा सा टॉपिक टो, के रूप में इसको लेते हैं भूकंप भूकंप क्या होता है क्या है बिल्कुल आसान से शब्दों में अगर एक छोटी सी भाषा में इसको एक छोटी सी लाइन में इसको समझाया जाए तो पृथ्वी की जितनी भी प्लेटें हैं हमारे पास जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं उनके अंदर होने वाले कंपन 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 को क्या कहा जाता है भूकंप भूकंप कहा जाता है ओके okay. तो इसका क्वेश्चन राइट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन दोस्तों अभी शो हो रहा है अभी आपके सामने तो हम डिस्कस करते हैं भूकंप से संबंधित तरंगे कौन कौन सी है भूकंप से संबंधित तरंगे कौन कौन सी है ए ऑप्शन आपको दिया जाता है पी

वेरी नाइस सॉन्ग ओके तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी अब दोस्तों थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं पी एस तरंगे इनकी प्रॉपर्टी कभी कभी आ जाती है पूछ ली जाती है भूकंपीय तरंगों की जो प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले पी तरंगे पी तरंगे चलो इसी को देखते हैं पी तरंग पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं प्राथमिक तरंग ये प्राथमिक तरंग कहलाती है ओके प्राथमिक तरंग कहलाती है पी सेकंड इसके बारे में देखते हैं दोस्तों ये अनुप्रस्त होती है अनुदाय ये होगी, अनु अनुप्रस्थ पी तरंग अनुप्रस्त या अनुदायद्रीय ओके तरंग हो गया अनुप्रस्त और इसके बारे में क्यों है इस तरंग का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है इसका जो वेग होता है सबसे अधिक होता है सबसे अधिक ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है पी तरंग जो प्राथमिक तरंग होती है अनुप्रस्त होती है और इस तरंग का वेग सबसे अधिक होता है अब इसके बारे में इसके बाद जानते हैं हम एस वेव एस तरंग एस तरंग इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव एस फॉर सेकेंडरी सेकेंडरी मतलब द्वितीयक ये सेकेंडरी कहलाती है द्वितीयक और ये अनुप्रश्न होकर अनुदय होती है अनु अनुदायध्रीय और इनका वेग जो होगा पी तरंगों से कम होता है इन तरंगों का वेग पी से कम पी से कम होगा इनका वेग पी से कम वेग पी से कम वेग दोस्तों अभी दो वर्ड लिखे हैं यहां पर अनुप्रस्थ और है। ये अनुप्रस्थ और अनु क्या होता है जब कर... ओके इसको देखते हैं थोड़ा सा अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है मान लिया ये कोई तरंग जा रही है इस साइड में किसी भी साइड में जा रही है तो तरंग के अंदर तरंग के साथ साथ अगर इसके कणों की कंपन करने की दिशा मान लिया गया इसके कण है कण है इसके कणों की जो दिशा है वो इसके समानांतर है इसी के साथ चल रही है तो ये क्या अनुप्रस्थ तरंग ओके इसके बाद में देखते हैं है। अनुदैर्ध्य। अगर इसके तरंगों की गति की दिशा इसके लंबवत होती है होती है अनुप्रस्थ तरंग। तरंग, ओके। अब एक थर्ड थर्ड वेव थी एल वेव उसके बारे में जानते हैं एल तरंग एल तरंग इसके बारे में सबसे पहले दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली यह सबसे अधिक विनाशी तरंगी होती है भूकंप के द्वारा सबसे अधिक जो विनाश होता है वो एल तरंग के द्वारा होता है सबसे अधिक सबसे अधिक विनाशी सबसे अधिक विनाशी और दोस्तों एक बात और एल तरंग को ये जो धरातलीय तरंग होती है ये धरातलीय धरातल ये पर उत्पन्न होती है और पहले जो दो तरंगे थी पी और एस वो आंतरिक तरंग वो पृथ्वी के अंदर गति करती है और ये धरातलीय तरंग है नेक्स्ट करेंगे सर ये धरातलीय तरंग है जो धरातल पर उत्पन्न हो, होती है सर ये कहाँ आती है ये वेव्स ओके बता दिए ये वेव कहां आती है चीज और देखते हैं भूकंप का केंद्र भूकंप भूकंप के अंदर जो तरंगे उत्पन्न जिस स्थान से उत्पन्न होती है भूकंपीय तरंगे जहां से उत्पन्न होंगी उसको कहा जाएगा केंद्र मतलब सेंटर ओके और एक होता है अधिकेंद्र अधिकेंद्र क्या होता है सर एक मिनट रोकेगा चलो ठीक है रहे। लग रहने दीजिएगा कोई नहीं इसको बोलते हैं पी सेंटर इपी सेंटर क्या होता है ओके शायद उधर ना दिख रहा तो इधर लिख देते इसको कहते हैं इपी सेंटर इपी सेंटर क्या होता है दोस्तों सर ज्योग्राफी चलेगा हाँ आज हाँ, ज्योग्राफी चलेगा इसका टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया था आपको बताया नहीं गया उसके लिए हम माफी चाहते हैं आ, हाँ, दस से ग्यारह ज्योग्राफी जो, का टाइम होगा एग्जाम्पल गुरुदेव प्लीज हम हमको शरद यादव ओके इपी सेंटर क्या होता है केंद्र से भूकंपीय तरंगे जहां से उत्पन्न होती है वो कहलाता है केंद्र लेकिन केंद्र के लंबवत केंद्र से लंबवत दूरी पर लिया। अगर ये ये पृथ्वी है हमारी पृथ्वी है यहां से जो भूकंपीय तरंगे हैं वो उत्पन्न हो रही है अंदर की ओर जा रही है बाहर की ओर आ रही है तो पृथ्वी इससे केंद्र से न्यूनतम दूरी पर न्यूनतम दूरी पर केंद्र से वो न्यूनतम दूरी जहां पर पी और एस तरंगे पहुंचती है सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है क्योंकि पी तरंग का वेग सबसे अधिक होता है तो ये कहलाता है ईपी सेंटर ईपी सेंटर कहलाएगा ये ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पहले ऑन स्क्रीन हो चुका है उसको देखते हैं रिंग ऑफ फायर संबंधित है ओके okay, भूकंप से ज्वालामुखी से प्रशांत महासागर से सभी से रिंग ऑफ फायर इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक फ्रॉम दर्ल्ड कैनो पैसिफिक ऑशियन फ्रॉम ऑल तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ए बी सी डी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया सर हिस्ट्री कितने बजे होगी हिस्ट्री की डिटेल आपको दे दी जाएगी शायद आज हिस्ट्री ऑफ रखी जाएगी सर चलिए चलिए ओके okay, दोस्तों आपका हिस्ट्री का नोटिफिकेशन आ गया है तो आज किसी कारणवश आपकी हिस्ट्री की क्लास रोकनी पड़ेगी आपकी हिस्ट्री क्लास कल से अपने नियम के अपने टाइम के अनुसार चलेगी और आपको टाइम की वजह से दिक्कत होने की वजह से दोस्तों उसके लिए सॉरी तो अभी आप अपने क्वेश्चन पर ध्यान देंगे भूकंप भूकंप मापन से संबंधित सर क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया पिछले क्वेश्चन पर जाइए अभी डिस्कस नहीं हुआ वो ओके हमने देखा था दोस्तों रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ फायर ये किससे संबंधित है ऑप्शन था भूकंप ज्वालामुखी और थर्ड पैसिफिक और डी ऑल तो आंसर तो आपको दोस्तों चल, पता चल ही गया होगा आंसर होगा ऑल सभी से वो कैसे इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है पैसिफिक पैसिफिक ओशियन के अंदर एक क्षेत्र है जिसके अंदर विश्व के लगभग 68 परसेंट भूकंप और ज्वालामुखी सिर्फ उस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं कितने विश्व के 68 एट अड़सठ प्रतिशत अड़सठ प्रतिशत भूकंप और ज्वालामुखी इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं इसको इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है भूकंप भी प्राप्त होते हैं ज्वालामुखी भी प्राप्त होता है होते कहाँ है प्रशांत से तो आंसर होगा राइट इसका डी आंसर नेक्स्ट कहेंगे सर इससे संबंधित क्षेत्र क्वेश्चन आने से दे पहले देखते हैं इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा होगा ये जो होगा पैसिफिक में जो एरिया पड़ता है इसके आसपास का क्षेत्र कौन सा होगा जापान आएगा इसके पास अमेरिकन साइड में जाएंगे तो कैलिफोर्निया आएगा कैली फोर्निया ओके फिलिपाइंस फिलीपींस, फिलीपींस इसी के अंदर आएगा सही दिख रहा है प्रशांत में रिक्टर स्केल पर फिलीपींस न्यूजीलैंड एटसेट्रा न्यूजीलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन हो गया भूकंप मापन से संबंधित स्केल है रिक्टर स्केल मर्किल स्केल दोनों डी पवन साहब का मैसेज आया फिफ्टीन ए तो आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं है इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वेदिका जापान कैलिफोर्निया कोरिया फिलीपींस वेरी गुड सर जी छोटा लिखिए दिखाई नहीं देता छोटा लिखिए दिखाई नहीं देता दोस्तों राइट आंसर होगा इसका सी रिटर स्केल और मर्केली स्केल दोनों जो भूकंप की तीव्रता होती है वो दोनों पर नापी जाती है रिक्टर स्केल पर भी और मरकेली स्केल पर भी कंप्लीट तो दोस्तों आज ये हिस्ट्री के टाइम पर आज हमको भूगोल की क्लास लेनी पड़ी और जो क्लास छुट्टी उसके लिए हमको खेद है और आने वाले टाइम में कल से आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास अपने नियत समय के अनुसार चलेगी तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम मतलब आपको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कुछ भी करते हैं तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है जो आप भी कर सकते हैं हमको बहुत काम मतलब तुमको पढ़ाते हुए हमको देख सकते हैं सभी लोगों के हाथ काले होते हैं मेहनत भी लगती है और यहाँ तक कि तबीयत खराब भी हो तो भी पढ़ाना पड़ता है मुझे खुद चार दिन से फीवर हुआ है वायरल हो रखा है लेकिन फिर भी आपके सामने आना पड़ता है तो दोस्तों आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कम से कम जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर थैंक यू